हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 29 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचार की। दैट इज, माइक्रोसॉफ्ट हैज रीच्ड ए वैल्यूएशन ऑफ $1 trillion फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर पोस्टिंग एन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। इट मेक्स द सॉफ्टवेयर गिगंट ओनली द थर्ड पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन हिस्ट्री टू रीच द थ्रेशोल्ड आफ्टर एप्पल एंड अमेजन पास्ट इन इट 2018। माइक्रोसॉफ्ट करंट वैल्यूएशन ऑल्सो मीन्स दैट इट हैज अगेन टेकन ओवर एप्पल एज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट अपने मुनाफे में बढ़ोतरी के बाद पहली बार $1 trillion के मूल्यांकन तक पहुंच गया है। यह इसे 2018 में सॉफ्टवेयर की विशालकाय कंपनी के इतिहास में एप्पल और अमेजन के बाद केवल तीसरी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बना देता है। माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा मूल्यांकन का यह भी अर्थ है कि यह फिर से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में एप्पल का मुकाबला कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचारों की। पंकज अडवाणी द 21-time इंडियाज क्वेस्ट डिफिटेड एहसान हैदरी निजाद ऑफ ईरान 6-4 टू क्लिंच द एशियन स्नूकर ट्यू टाइटल। ही हैड प्रीवियसली बैक्ड द सेकेंड लेग ऑफ द टूर इन चाइना एंड वॉज लीडिंग द रैंकिंग बिफोर द फाइनल लेग ऑफ द टूर इन बेंगलुरु। भारत के 21 बार के क्यूइस्ट पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर टूर खिताब हासिल करने के लिए ईरान के एहसान हैदरी नजहद को 6-4 से हराया। उन्होंने पहले चीन में टूर का दूसरा चरण जीता था और बेंगलुरु में दौरे के अंतिम चरण से पहले रैंकिंग का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट, इंडिया वोन 13 मेडल्स इंक्लूडिंग 2 gold, 4 silver and 7 bronze एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन बैंकॉक। बॉक्सर्स पूजा रानी एंड अमित पंगाल गेव इंडिया 2 gold medals वाइल द मैन वॉन 1 gold, 3 silver and 3 bronze द वुमेन बैग्ड 1 gold, 1 silver and 4 bronze medals। भारत ने बैंकॉक में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 swarn, 4 rajat and 7 kaasya padak सहित कुल 13 पदक जीते हैं। मुक्केबाज पूजा रानी और अमित पंगाल ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों ने 1 swarn, 3 rajat and 3 kaasya padak जीते, जबकि महिलाओं ने 1 swarn, 1 rajat and 4 kaasya padak सहित कुल 13 पदक अर्जित किए हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की बात करते हैं ऑक्टोरिज निधन की। तो टेरी रावलिंग्स ए ब्रिटिश फिल्म एंड साउंड एडिटर हैज पास्ड अवे। ही वॉज एन ऑस्कर नॉमिनी फॉर हिज वर्क ऑन बेस्ट पिक्चर विनर चैरियट्स ऑफ फायर। ही वॉज बॉर्न इन 1933 द 5-time बाप्टा नॉमिनी ऑल्सो रिसीव्ड ए कैरियर अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द अमेरिकन सिनेमा एडिटर सोसाइटी इन 2006। ब्रिटिश फिल्म और साउंड एडिटर टेरी रॉलिंग्स का निधन हो गया है। वह सर्वश्रेष्ठ चित्र विजेता रथ ऑफ फायर पर अपने काम के लिए ऑस्कर नामित थे। उनका जन्म 1933 में हुआ था। 5 बार के बाप्टा के नॉमिनी को 2006 में अमेरिकन सिनेमा एडिटर सोसाइटी से कैरियर की उपलब्धि मिली थी।
तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कर आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।